इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रसिव कोर्स डिजी हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डिजी में यूजीसी नेट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी एनी टाइम स्टडी एनी वेयर हेलो स्टूडेंट इन द लास्ट टू वीडियो अबाउट दाफ रियक्टी फायर इन दिस अगेन स्टडी अबाउट द हाफ वेर व्यक्तिफायर इन लास्ट टू वीडियो वी हैव स्टडी टोटल एट पॉइंट अबाउट द हाफ वेक्टिफायर एंड लास्ट पॉइंट वी हैव स्टडी डाइट वोल्टेज सो नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर नाइन इज नो लोड डी सी आउटपुट वोल्टेज दैट इज वी डी सी नो लोड सो पॉइंट नंबर नाइन में हमें कैल्कुलेट करना है नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर ठीक है सो बेसिकली नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज होता क्या है ये आपका डीसी आउटपुट वोल्टेज है व्हेन लोड करंट आपकी जीरो होती है ठीक है तो अगर आपकी लोड करंट जीरो है तो उस केस पे आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो यहां पर अगर हम बात करें बेसिकली वी डीसी एन एल तो ये हो जाएगा आपका वी डी सी डीसी आउटपुट वोल्टेज वेन लोड करेंट इज इक्वल टू जीरो तो यहां पर अगर मैं वापस से डायग्राम बना लू आपके लिए जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्टडी करते हुए आ रहे हैं फॉर हाफ योर एक्टिफायर सो बेसिकली ये आपका डायग्राम है ठीक है so सो केस पे जो आपका आर एल है लोड है उसके अक्रॉस जो करेंट होगी वो क्या होगी आपकी जीरो So, अगर आपकी करंट जीरो होगी दैट मीनस आर एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी इंफिनिटी होनी चाहिए ठीक है सो so, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमें वी डी सी एन एल कैलकुलेट करना है दैट इज जो डीसी आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है उसे सबसे पहले हम इंडिकेट कर देते हैं वी डी सी एन एल दैट मीन्स कोई लोड नहीं है लोड करंट क्या है आपकी जीरो है सो so, यहां पर अगर हम केवीएल लगाते हैं तो हमें पता है सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है प्योर एसी तो डीसी वोल्टेज क्या होगा जीरो होगा तो यहां पर आपका कोई वोल्टेज नहीं होगा ठीक है? है, है ना डीसी डायोड वोल्टेज वो आपका आ जाएगा यहां पर प्लस माइनस वी डी सी डायोट ठीक है देन अगर आप केवीएल लगाते हैं तो क्लॉकवाइज मूव करने पर फर्स्ट साइन आपका क्या आएगा प्लस तो वी डी सी डायोड प्लस देन अगेन क्या आएगा प्लस सो वी डी सी एन एल प्लस जीरो सो वी डी सी एन एल किसके इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस वी डी सी के क्लियर सो वी डी सी एन एल की वैल्यू क्या हो जाएगी वी डी सी जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है उसका कैलकुलेशन हमने किया था माइनस वी एम बाई पाई तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस वी एम बाई पाई सो ये आपका होगा वी डीसी नो लोड यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए आपकी करंट जीरो है है ठीक ना इसका मतलब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा ठीक है ना डीसी करंट जीरो है दैट मींस इस लूप में फ्लो होने वाली करंट जीरो है बट जो डीसी डायोड वोल्टेज है वो आपका एग्जिस्ट करेगा डायोड के अक्रॉस जिसकी वैल्यू हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट भी की थी नाउ वी डी सी एन एल के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है हाफ रिएक्टिफायर के लिए वो है आपका फुल लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज दीन्स वी डीसी क्लियर सो ये कब कैलकुलेट किया जाता है ये तब कैलकुलेट किया जाता है जब आपकी लोड करंट जो है वो नॉन जीरो होती है ठीक है तो आई एल जो होगा आपका लोड करंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा तो यहां पर अगर मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लू तो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग देन, देन आरएल ठीक है तो यहां पर आपका जो लोड करंट है आईएल वो एग्जिस्ट करेगा और साथ ही साथ आर की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी ठीक है ना यहां पर वी डी सी एफ एल वी डी सी एफ एल आप क्या लिख सकते हैं वी डी सी ठीक है बेसिकली आपको कैलकुलेट तो आउटपुट वोल्टेज ही करना है बट IEL, इस टाइम आपका जीरो नहीं होगा ठीक so है पर अगर आपको कैलकुलेट करना है ठीक है तो आपके पास दो ऑप्शन है एक ऑप्शन क्या है आपका कि जो आउटपुट के अक्रॉस जो आर एल के अक्रॉस आपकी करंट फ्लो हो रही है बेसिकली आपको आर एल के अक्रॉस ही वीडीसीए कैलकुलेट करना है तो जो आउटपुट के अक्रॉस करंट फ्लो हो रही है ठीक है ना आरएल के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट से अगर आरएल को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी डीसी हो जाएगा ठीक है तो बेसिकली आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज निकालना है दैट पीस जो करंट फ्लो भी हो रही होगी वो भी क्या होगी डीसी करंट होगी ठीक है ना तो बेसिकली आईएल इज इक्वल टू आई डीसी तो यहां पर जो वी डीसी का आपका फार्मूला निकल कर आएगा एक फार्मूला तो आपका ये हो जाएगा आई डी सी इंटू आर एल अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा क्योंकि यहां पर एक और फॉर्मूला पॉसिबल है आपके लिए ध्यान से समझिएगा जब आपने लास्ट केस स्टडी किया था वी डी सी नो लोड तो उस केस पे आई एल या आई डी सी को आपने जीरो लिया था बेसिकली आपने आर एल को इन्फिनिटी लिया था ठीक है तो जब आपकी करंट फ्लो नहीं हो रही थी आई डी सी फ्लो नहीं हो रही थी इस लूप में तो आंसर आया था वी एम बाई पाई क्लियर इसका मतलब क्या है जब करंट फ्लो नहीं हो रही थी तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था के अक्रॉस, ठीक है? नाउ यहां पर अब अगर हम रजिस्टेंस की वैल्यू कंसीडर करें क्योंकि करंट नॉन जीरो है तो आप देख सकते हैं कि जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है बेसिकली इंडक्टर है उसका भी इंटरनल रजिस्टर होता है जिसे हम लोग आर ले लेते हैं उसी तरीके से डायोड का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसे हम आर एफ ले लेते हैं ठीक है तो उस केस में आप देख सकते हैं कि जब आपकी करंट फ्लो होगी तो इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी क्या होगा ड्रॉप होगा और हमने नेटवर्क थ्योरी में स्टडी किया हुआ है कि जब आप केवीएल लगाते हो तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा आपको साइन क्या लेना होता है प्लस ठीक है तो बाय अप्लाइंग केवीएल क्या हो जाएगा आई डी सी इंटू आर एस डब्ल्यू प्लस आई डी सी इंटू आर एफ ठीक है तो ये जो है आपका ड्रॉप ये आपको जरूर मिलने वाला है तो बेसिकली ये जो आपको ड्रॉप मिलेगा ये पहले नहीं मिल रहा था क्योंकि पहले आपकी करंट की वैल्यू क्या थी जीरो थी इसका मतलब जब ड्रॉप नहीं मिल रहा था तो आंसर था वी एम बाई पाई अब जब ड्रॉप मिलेगा तो जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वी एम बाई पाई जो कि विथआउट ड्रॉप था अब इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होने के कारण अब आपका आंसर होगा आर एफ प्लस आर एस डब्ल्यू इंटू आई डी सी ठीक है तो यहां पर जो आपका आर एफ है वो है डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और आर एस डब्ल्यू जो है वो सेकेंडरी वाइंटिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस है क्लियर है तो यहां पर इसे हम आर नाम दे देते हैं आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एस डब्ल्यू ठीक है तो वी डी सी एफ एल ये आपका कितना हो जाएगा वी एम बाई पाई माइनस आर आपके आई डी सी क्लियर सो बन जाएंगे क्लियर सो so, ये होता है आपका फुल लोड आउटपुट वोल्टेज नाउ जो लास्ट के दो कैलकुलेशन हमने किए हैं उसी पर बेस है हमारा पॉइंट नंबर इलेवन जो कि है आपका रेगुलेशन फैक्टर सो रेगुलेशन फैक्टर हमारा क्या होता है बेसिकली रेगुलेशन फैक्टर जो है आपका वो मेजर है ऑफ चेंज इन डीसी आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन लोड करेंट ठीक है सो रेगुलेशन फैक्टर क्या है आपका मेजर ऑफ चेंज इन ठीक है मेजर ऑफ चेंज इन डीसी आउटपुट वोल्टेज ठीक है डीसी आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन लोड करेंट ठीक है ड्यू टू चेंज इन लोड करेंट जिसे हम आई डी सी भी बोल रहे हैं ठीक है तो बेसिकली आपका जो लोड करेंट के कारण चेंज होना चाहिए डीसी आउटपुट वोल्टेज में वो जीरो होना चाहिए ठीक है आइडली जो रेगुलेशन फैक्टर है आपका वो जीरो होना चाहिए ठीक है लेकिन रेगुलेशन फैक्टर की कोई ना कोई वैल्यू मिलती है आपको कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो आइडली जो रेगुलेशन फैक्टर है आपका वो क्या होना चाहिए जीरो बट थ्योरिकली या प्रैक्टिकली अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो परसेंटेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होती है हमारी वी डी सी एन एल माइनस वी डी सी एफ एल डिवाइडेड बाय वी डी सी एफ एल हंड्रेड परसेंट ठीक है अगर आप परसेंट में निकालना चाहते हैं तो नाउ अब अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, तो देखिए वी डी सी एन एल इसकी वैल्यू क्या है VM बाई पाई ठीक है नाउ वी डी सी एफ एल वी डी सी एफ एल की वैल्यू क्या है हमारी वी एम बाई पाई माइनस आई डी सी आर अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया है उसके बाद वी डी सी एफ एल अब

आउट होने के बाद आई डी सी आई डी सी भी कैंसल हो जाए जिससे कि हमारा फॉर्मुला जो है बहुत ही सिंपल वे में आ जाए ठीक है तो मैथमेटिकली ये सब हमने किया है आप चाहें तो नॉर्मल वैल्यू भी पुट कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चाहे तो वीडीसी सेम वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट कर सकते हैं लेकिन उससे आपका फॉर्मुला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा याद रखने के लिए सो परसेंटेज रेगुलेशन जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा आप देखिए ये हो जाएगा वीएम बाई पाई और वीएम बाई पाई कैंसल माइनस माइनस क्या होगा प्लस आई डी सी आई डी सी कैंसल ठीक है तो इससे आपका आंसर क्या होगा आर बाई तो परसेंटेज रेगुलेशन आएगा आर परसेंट। क्लियर तो आपको पता ही है कि जो आर की वैल्यू है वो क्या है आर एस डब्ल्यू प्लस आर एफ ठीक है तो ये होता है हमारा परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मुला तो आप देख सकते हैं आइडली रेगुलेशन फैक्टर जीरो होना चाहिए रेगुलेशन फैक्टर कब जीरो होगा जैसा मैंने बोला आइडली तो आइडियल केस में ही जीरो होगा आइडियल केस में रजिस्टेंस जो इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस होता है इंटरनल रजिस्टेंस जो होता है उसे क्या होना चाहिए जीरो तो सेकेंडरी वाइंडिंग के रजिस्टेंस को आइडली क्या होना चाहिए जीरो डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो उसका फॉरवर्ड रजिस्टेंस आइडली क्या होना चाहिए जीरो तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस पे परसेंटेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा आई जीरो क्लियर अच्छे से तो ये होता है हमारा परसेंटेज रेगुलेशन बेसिकली परसेंटेज रेगुलेशन क्या है हमारा मेजर ऑफ चेंज इन डीसी आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंजेस इन लोड करेंट क्लियर नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर ट्वेल्व पॉइंट नंबर ट्वेल्व जो है हमारा वो है आपका इक्वलेंट सर्किट तो बेसिकली अगर हम इक्वलेंट सर्किट की बात करते हैं इन केस ऑफ हाफ वे रिएक्टिफायर सो बेसिकली यहां पर हम लोग फुल लोड आउटपुट वोल्टेज का डीसी आउटपुट वोल्टेज का इक्वलेंट सर्किट बनाएंगे तो वी एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी आर तो यहां पर अगर मैं केवीएल के अकॉर्डिंग इक्वलेंट सर्किट बना दूं तो देखिए यहां पर मैं वी एम अपॉन पाई वोल्टेज ले रहा हूं ठीक है प्लस माइनस देन हमें पता है कि रजिस्टेंस इनटू करंट भी क्या होता है हमारा वोल्टेज ही होता है तो आई डी सी अगर करंट फ्लो होगी यहां से तो आर तो आर इंटू आई डी सी वाला टर्म भी जनरेट हो गया हमारा देन हमें पता है कि आर एल के अक्रॉस वी डी सी एफ एल ये आपका टर्म होता है तो अब अगर हम केवीएल लगा के देखें तो क्या होगा माइनस वीएम बाई पाई ठीक है माइनस वी एम बाई पाई प्लस आई डी सी इंटू आर प्लस वीडीसी एफ एल जैसा मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप केवीएल लगाएं तो वोल्टेज का पहला साइन ठीक है और रजिस्टर इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस हमेशा प्लस तो आप देख सकते हैं जो वी डी सी एफ एल होगा आपका इस इक्वेशन के थ्रू वी एम बाई पाई हो जाएगा माइनस आई डी सी आर हो जाएगा सेम ठीक है तो इस तरीके से हम इक्वलेंट सर्किट बना सकते हैं वी डी सी एफ एल के लिए क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर थर्टीन पॉइंट नंबर थर्टीन में हम स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर टी यू एफ ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता क्या है तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर एंड एसी रेटिंग ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ठीक है तो टी यू एफ ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर यह आपका होता है डीसी आउटपुट पावर पी डिवाइडेड बाय एसी रेटिंग ठीक है एसी रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ठीक है तो यहां पर बेसिकली एसी रेटिंग आपकी क्या होती है डीसी आउटपुट पावर तो हमने efficiency के टाइम पे भी देखा था डीसी आउटपुट पावर बेसिकली हमारा क्या होता है आई स्क्वायर डीसी इंटू आर एल नाउ एसी रेटिंग क्या होती है एसी रेटिंग भी आपका वोल्टेज इंटू करंट ही होता है ठीक है लेकिन यहां पर जो आप वोल्टेज यूज करते हैं वो आप क्या यूज करते हैं वी एम अपॉन रूट टू और जो करंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं आई एम बाय टू ठीक है उसका रीजन क्या है ये भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी करंट है ठीक है वो आपकी हाफ योर एक्टिफाइड हो जाती है लेकिन जो आपका वोल्टेज है ठीक है वो प्योर एसी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज आता है वो आपका प्योर एसी Vm 2 ही आता है, आती है उसकी, तो क्या होता है आपका Vm 2. Means, Vi क्या होता है ठीक ठीक वैल्यू आती उसकी, अगर sin या की अगर हम निकालते है, तो क्या होता है एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट टू ठीक है लेकिन जब वो आपका हाफ योर हो जाता है ठीक है अगर आपको फर्स्ट वीडियो याद हो जो हाफ रेक्टिफायर की मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने जो वी आई वी आई लिया था वो क्या लिया था प्योर साइन वेव ठीक है और जो आउटपुट लिया था ठीक है आउटपुट जो लिया था वो कुछ इस तरीके से आया था आपका ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग की आप एसी रेटिंग ले रहे हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में तो वी आई है आपका ठीक है ना सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो तो आपका वी आई है आप जानते हैं जब आप इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज हमारा होता है वो क्या होता है प्लस माइनस तो तो ये प्योर साइन वेव है तो इसकी वैल्यू क्या होगी Vm 2. लेकिन जब आप बात करते हैं करंट की ठीक है तो करंट जो है वो आउटपुट से भी फ्लो हो रही है सेम करंट दैट मींस वो हाफ वेव रेक्टिफाइड हो चुकी है तो आपको जो करंट का लेना है वैल्यू आर का वो क्या लेना है आपको आईएम बाई टू जो आपने हाफ हाफी के लिए कैलकुलेट की है आप यहां पर VM by root लेते और यहां पर पर लेते लेते हैं हैं और नाउ अब अगर हम बात करते हैं टी यू एफ तो टी सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा देख सकते हैं हम लोग देखिए आई स्क्वायर डीसी इन टू आर एल ठीक है अब यहां पर जो आपका वी एम है VM की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं वीएम की वैल्यू हमने सॉल्व की थी फर्स्ट वीडियो में हाफ योर की क्या होती है आई एम इंटू आर एफ प्लस आर एल ठीक है तो अगर आप यहां पर वी एम की वैल्यू पुट कर दें तो आपका आई एम स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और आर एफ प्लस आर एल हो जाएगा ठीक है नाउ अब अगर आप आई डी सी की वैल्यू भी पुट कर दें आई डी सी की वैल्यू जो हमने सॉल्व की थी वो थी हमारी आईएम अपॉन पाई तो यहां पर ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर आर एल आई एम है तो आई स्क्वायर डी सी क्या हो जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर सो आई एम स्क्वायर आईएम स्क्वायर कैंसल और साथ में एक और फैक्टर है जो आएगा आपका टू रूट टू क्यों क्योंकि अगर आप बैक साइड में देखें तो टू रूट टू जो था आपका वो यहां पर था तो वो कहां चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में क्लियर है अच्छे से तो ये जो आपका टी यू एफ है वो कितना आ जाएगा टू रूट टू अपॉन पावायर ठीक है और ये क्या हो जाएगा आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल ठीक है क्लियर है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यहां पर ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ठीक है तो ये जो फैक्टर हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया है इसका यूज क्या है बेसिकली तो इसका यूज समझने से पहले यहां पर हम आइडियल केस कंसीडर कर लेते हैं आइडियल केस का मतलब क्या होता है कि जब आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आर एफ का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो आपका आरएफ है अगर वो जीरो हो ठीक है अगर आपका आर एफ जीरो है तो इस केस में जो आर एल आर एल है वो कैंसल आउट हो जाएगा और आपका जो टी यू एफ है वो कितना बचेगा टू रूट टू अपॉन पाई का स्क्वायर इसे अगर आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट टू एट सिक्स ठीक है अब अगर हम देखें कि इस ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का यूज क्या है तो यहां पर जो आपका ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो है आपका पी डीसी अपन एसी रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ठीक है तो यहां पर बेसिकली अगर आपको ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर पता है ठीक है और अगर आपको एसी रेटिंग पता है ठीक है सेकेंडरी वाइंडिंग की तो बेसिकली आप जो डीसी पावर है मैक्सिमम डीसी आउटपुट पावर वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि एसी रेटिंग जो है वो आपको जनरली पता होती है और ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी पता होता है तो आप मैक्सिमम डीसी आउटपुट पावर का कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टू वैल्यूज क्लियर है अच्छे से नाउ ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर फोर्टीन वो है आपका पीक इनवर्स वोल्टेज तो बेसिकली पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच अपियर्स अक्रॉस अ डायोड व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस ठीक है जो हम हाफ योर स्टडी कर रहे हैं उसका डायोड रिवर्स बायस जब होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज अपियर्स अक्रॉस अ डायोड ही आपका क्या होगा पीक इनवर्स वोल्टेज होगा क्लियर है तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज की तो ये आपका होगा वी डायोड मैक्सिमम ठीक है तो यहां पर अगर हम वी डायोड मैक्सिमम की बात करें तो डायोड जब आपका रिवर्स बायस पे था तो वैल्यू क्या थी वी एम साइन ओमेगा टी जो हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट की थी ठीक है तो यहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है ना तो हम ओरिजिनल लेंगे वीएम साइन ओमेगा टी जो रिवर्स बायस पे डायोड की अक्रॉस वोल्टेज था और वीएम साइन ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका वी एम ठीक है तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है या पीक इनवर्स वोल्टेज का यूज क्या है तो बेसिकली पीक इन्वर्स वोल्टेज जो है आपका अगर वो लेस देन है ब्रेक डाउन वोल्टेज से ठीक है तो डायोड आपका सेफली वर्क करेगा सेफली ऑपरेट होगा ठीक है तो ये यहां पर इंपॉर्टेंस है पीक इनवर्स वोल्टेज की कि जो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड हो सकता है इन केस ऑफ रिवर्स बायस वो हर हाल में ब्रेक डाउन वोल्टेज से लेस होना चाहिए सी बात है क्योंकि अगर रिवर्स बायस में आप ब्रेक डाउन वोल्टेज के इक्वल पहुंच गए या उससे ग्रेटर हो गए तो डायोड आपका ब्रेक डाउन में चला जाएगा ठीक है ना दट्स वाई पीक इनवर्स वोल्टेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपके लिए क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर फिफ्टीन पॉइंट नंबर फिफ्टीन में हमें यहां पर स्टडी करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट ठीक है तो यहां पर अगर हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये आपका होता है एफ नॉट ठीक है एफ नॉट जबकि जब आप फुल वेव रिएक्टिफायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टू एफ नॉट तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लाइन फ्रीक्वेंसी या रिपल फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर सिक्सटीन पॉइंट नंबर में हम यहां पर आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज जो हमारा होता है वी डॉट वो आपका होता है वीएम अपॉन पाई प्लस वी एम अपॉन टू साइड ओबेगा डॉट टी ओमेगा डॉट क्या है बेसिकली फड्डा फ्रीक्वेंसी एफ डॉट ओमेगा डॉट बाय 10 2 वीएम अपॉन पाई समेशन कॉस के ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय के प्लस वन 1 के माइनस वन वेयर के इज इक्वल टू ईवन ठीक है के की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी ऑलवेज इवन वैल्यू होनी चाहिए तो बेसिकली ये जो है आपका रिप्रेजेंटेशन ये है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज तो यहां पर जो आपका अपॉन पाई वाला टर्म है वो है आपका डीसी कंपोनेंट और बाकी जो आपके टर्म्स हैं साइन कॉस वाले वो है आपके एसी कंपोनेंट बेसिकली जो हमारी फोर ईयर सीरीज होती है वो एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट का ही कॉम्बिनेशन होती है ठीक है तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारे लिए होगा वो होगा अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन मीन्स वी एम अपॉन पाई प्लस वी एम अपॉन टू साइन ओमेगा नॉट टी ठीक है अब अगर मैं सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करूं तो ये इक्वेशन आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन इस इक्वेशन को जब हम फिल्टर स्टडी करेंगे अगर आपको याद हो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम जहां पर रिएक्टिफायर के बाद फिल्टर यूज करते हैं तो का आउटपुट ही आपका फिल्टर का इनपुट होगा या फिल्टर में यूज होगा सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो तो फिल्टर में ये आउटपुट वोल्टेज आपको यूज करना है बेसिकली तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मुला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डीसी कंपोनेंट और ए सी कंपोनेंट नाउ अप्रोक्सीमेशन जो हमने किया है वो किस बेस पर किया है तो यहां पर हमने किया क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंसीडर की है एसी में ओमेगा नॉट हाइयर ऑर्डर जो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन्हें हम हार्मोनिक्स भी बोलते हैं अगर आप देखें यहां पर के की वैल्यू वन है तो जब आप के की वैल्यू टू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस टू ओमेगा नॉट टी ठीक है और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा थ्री और टू माइनस वन वन तो कॉस टू ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय थ्री तो न्यूमरेटर जो है आपको वो आपको हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स देगा डिनोमिनेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा तो बेसिकली जब आप के की वैल्यू इवन वैल्यूज पुट करते चलेंगे तो कॉस टू ओमेगा नॉट टी कॉस फोर ओमेगा नॉट टी दैट मीन टू ओमेगा नॉट फोर ओमेगा नॉट सिक्स ओमेगा नॉट हाइयर ऑर्डर हार्मोनिक्स मिलेंगे ठीक है तो हम यहां पर हाइयर ऑर्डर हार्मोनिक्स को इग्नोर कर देंगे और ओनली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेंगे दैट इज ओमेगा नॉट क्योंकि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ही प्योर एसी वेव होती है ठीक है क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर अब अगर हम डायग्राम बना लें वी नॉट का तो यहां पर आप लिख सकते हैं वी एम अपॉन पाई दैट इज डीसी कंपोनेंट प्लस माइनस एंड इसके बाद आप लगा सकते हैं यहां पर एसी कंपोनेंट ठीक है प्लस माइनस और यहां पर आप दे सकते हैं प्लस माइनस वी नॉट एसी कंपोनेंट हमारा क्या है वी एम बाई टू साइन ओमेगा नॉट टी थी, ठीक है तो यहां पर अब अगर आप केवीएल लगा के चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं आप देखिए माइनस एसी कंपोनेंट दैट मीन्स माइनस वी एम बाई टू साइन ओमेगा नॉट टी माइनस वी एम बाई पाई प्लस वी नॉट ठीक है तो v नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा सेम थिंग जो हमने यहां पर लिखी है क्लियर है अच्छे से तो ये हमारा हो गया आउटपुट वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन क्लियर है अच्छे से और ये रिप्रेजेंटेशन जैसा मैंने आपको बोला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यह आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होने वाला है इन केस ऑफ फिल्टर्स ना नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर सेवनटीन तो पॉइंट नंबर सेवनटीन में जो हमें स्टडी करना है वो है आपका एंगल ऑफ कंडक्शन सो बेसिकली एंगल ऑफ कंडक्शन क्या होता है सो एंगल ऑफ कंडक्शन जो है वो ड्यूरेशन है फॉर विच अ डायोड इज इन कंडक्शन इन अ रिएक्टिफायर ठीक है अगर हम बात करते हैं कि अगर डायोड आइडियल है तो डायोड कंडक्ट करेगा आपका जीरो टू पाई जैसा हम स्टडी करते आए हैं प्रीवियस वीडियोस में लेकिन अगर डायोड आइडियल नहीं है तो उस केस पे हमें कंडक्शन एंगल निकालना होता है तो बेसिकली डायोड आइडियल नहीं है इसकी क्या मीनिंग है इसका मीनिंग ये है कि डायोड विल हैव द कट इन वोल्टेज ठीक है ना जो हमने ईडीसी में स्टडी भी किया है डायोड का कट इन वोल्टेज क्लियर सो बेसिकली यहां पर अगर हम लिख ले इस डेफिनेशन को तो आइडियल डायोड के लिए आइडियल डायोड के लिए जो आपका कंडक्शन एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका जीरो टू पाई ठीक है तो बेसिकली आप थीटा क्या बोल देंगे पाई वन एटी डिग्री ठीक है कंडक्ट करेगा फ्रॉम जीरो टू पाई तो थीटा हो जाएगा आपका पाई लेकिन अगर डायोड आपका नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल डायोड में क्या होगा आपका इन वोल्टेज होगा वो कंडक्ट करेगा आफ्टर द इन वोल्टेज ठीक है तो यहां पर अगर हम डायग्राम बना लें तो ये जो कंडक्शन होगा आपका वो क्या होगा आफ्टर अ कट इन वोल्टेज ठीक है तो आफ्टर अ वी गामा तो यहाँ पर वो टू पाई तक पूरा कंडक्ट करने की जगह वो स्टार्ट करेगा थीटा से किसी एंगल थीटा से और वो कंडक्ट कहां तक कर पाएगा जब तक वी गामा से ऊपर रहेगा आपका वोल्टेज दैट मीनस पाई माइनस थीटा ठीक है ना बेसिकली थीटा थीटा दोनों साइड से कम हो रहा है आप देख सकते हैं देखिए थीटा एंगल के बाद वो वी गामा के ऊपर जा रहा है और थीटा एंगल पहले ही पाई ये ये एंगल क्या है आपका पाई है ये एंगल जीरो है तो जीरो से थीटा एंगल के बाद वो वी गामा के ऊपर जा रहा है और पाई से थीटा एंगल पहले मीन्स पाई माइनस थीटा एंगल पर वो वी गामा से नीचे चला गया तो कंडक्ट कब करेगा डायोड जब वी गामा से ऊपर होगा वोल्टेज ठीक है तो यहां पर नॉन आइडियल केस में जो कंडक्शन एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस टू थीटा। आप देख सकते हैं ठीक है ना थीटा इस तरफ एंड थीटा लास्ट में पाई के पहले थीटा जीरो के बाद और थीटा पाई के पहले तो टोटल कितना हो गया माइनस टू थीटा क्लियर है अच्छे से तो यहां पर अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहे हमें ये तो पता चल गया कि कंडक्शन एंगल 180 डिग्री माइनस टू थीटा है लेकिन थीटा क्या होगा ठीक है तो यहां पर हमें पता है कि डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है ओमेगा ठीक है बेसिकली ओमेगा क्या शो करता है ओमेगा टी एंगल को ही तो शो करता है ना ओमेगा क्या होता है रेडियन पर सेकेंड टी क्या होता है सेकेंड तो आंसर क्या हो जाता है आपका रेडियन ठीक है तो वी एम साइन ओमेगा टी तो यहां पर अगर हम बात करें डायोड वोल्टेज की तो जब आपका ओमेगा टी जो है वो थीटा के इक्वल होता है एग्जैक्ट थीटा के तो डायोड वोल्टेज किसके इक्वल हो जाता है वी गामा के देख सकते हैं हम लोग तो जैसे ही आप डायोड वोल्टेज को वी गामा के इक्वल करते हैं या अगर आप अदर वेव में बोले तो जैसे ही आप ओमेगा टी को थीटा के इक्वल करते हैं ठीक है ना तो डायोड वोल्टेज वी गामा के इक्वल हो जाता है, तो इससे आपका जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? साइन इन्वर्स वी गामा वी एम। क्लियर है अच्छे से तो इस तरीके से हम लोग थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर है नाउ नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट पॉइंट ऑफ हाफ यो रिएक्टिफायर वो है आपका फॉर्म फैक्टर तो फॉर्म फैक्टर बेसिकली हमारा क्या होता है फॉर्म फैक्टर आपका रेशियो होता है आर एंड एवरेज वैल्यू का ठीक है तो अगर हम बात करें फॉर्म फैक्टर की तो ये होता है आई आर ठीक है डिवाइडेड बाय आई एवरेज तो बेसिकली जो आपने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट की है केस ऑफ हाफ योर एक्टिफायर उनकी वैल्यूज आपको पुट करनी है यहां पर और फॉर्म फैक्टर का कैलकुलेशन करना है ठीक है तो फॉर्म फैक्टर हम लोगों ने आई आर एम एस क्या कैलकुलेट किया, किया है वो कैलकुलेट किया है आई एम बाय पाई तो आई एम आई एम कैंसल और आंसर क्या हो जाएगा आपका पाई बाय टू ठीक है ना पाई बाय टू को 90 डिग्री मत लिख दीजिएगा पाई यहां पर आपका रेडियन है तो आपको पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है थ्री पॉइंट वन फोर या 22/7 तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा 1.57 जब आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 तो ये आपका होता है फॉर्म फैक्टर फॉर हाफ वेव रिएक्टिफायर ठीक है आपको याद होगा हम लोगों ने एक और कंसेप्ट पढ़ा था रिपल फैक्टर तो रिपल फैक्टर जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो हम लोगों ने स्टडी किया था i डैश आर एम एस डिवाइडेड बाय आई डी सी ठीक है आपको याद होगा आई डैश आर एम एस जो था वो आउटपुट एसी कंपोनेंट का आर एम एस वैल्यू था और आई आर एम एस जो था वो कंप्लीट आउटपुट करंट का आर एम एस वैल्यू था ठीक है तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझें इस पॉइंट को तो जो आपका फॉर्म फैक्टर है ठीक है वो आपका क्या है आई आर एम एस अपॉन आई डी सी ठीक है तो हम लोगों ने जब रिपल फैक्टर स्टडी किया था तो वहां पर हम लोगों ने आई डैश आर एम एस का फॉर्मूला भी देखा था ठीक है तो आई डैश आर एम एस का जो फॉर्मूला था आपका वो हमारा क्या था वो था हमारा आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डीसी का अंडर रूट तो ये हमारा था रिपल फैक्टर इसे अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर ले यहां पर अगर हम आई डी सी से डिवाइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा आपका आई आर एम एस डिवाइडेड बाय आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो आई आर एम एस अपॉन आई डी सी कितना है आपका ये है आपका फॉर्म फैक्टर ठीक है एफ एफ फॉर्म फैक्टर तो जो रिपल फैक्टर है आपका वो कितना हो जाएगा रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो इस तरीके से आप रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर में यहां पर रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं क्लियर है अच्छे से तो ये आपके 18 पॉइंट्स है इन केस ऑफ हाफ वेव योरफायर तो यहां पर आपका हाफ वेव एक्टिफायर कंप्लीट होता है ठीक है अब हाफ वेव एक्टिफायर को दोबारा हम स्टडी करेंगे जब हम स्टडी करेंगे फिल्टर्स ठीक है डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स में आप हाफ योर एक्टिफायर का दोबारा यूज करने वाले हैं ठीक है लेकिन अभी जो हम लोगों ने हाफ योर स्टडी किया है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है उससे आपके दो एडवांटेज हैं एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना ही है लेकिन अभी ही क्यों पढ़ना है क्योंकि हाफ योर एक्टिफायर की अगर आप थ्योरी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर जाओगे तो फुल वेव रियक्टिफायर को स्टडी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली काफी सिमिलर थ्योरी है फुल वेव रियक्टिफायर की ठीक है पॉइंट्स वही होंगे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में चेंज आएगा ठीक है तो हाफ वेव वेक्टिफायर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस है आपका, है आपका का ठीक तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ वेव रिएक्टिफायर के पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन हम मूव कर जाएंगे फुल वेव रिएक्टिफायर की तरफ थैंक यू